हेलो गाइस, दिस इज करमवीर मान एज एन आयल्स ट्यूटर। अज की इस वीडियो के राजे जो मैं थोड़े लिए टॉपिक लेके आया वो है आयल्स लिसनिंग। आयल्स लिसनिंग का फॉरमेट, वो क्वेश्चन टाइप्स, किड़िया टिप्स एंड ट्रिक्स आ बच्चे जिड़िया आप एग्जाम के ड्यूरिंग ध्यान रखनिया ने, जो आपको हैल्प कर मिसटेक्स को अवॉइड करने। सो बेसिकली अज की इस वीडियो तुम सारे ने फुल देखना गा, ध्यान दे सारी वीडियो ऑब्जर्व करना बच्चे कि किड़िया जिहड़ियां पर्टिकुलर थिंग्स ने मैं मैनशन कीतियां ने वीडियो दे विच। सो वीडियो स्टार्ट करन दे लई फर्स्ट ऑफ ऑल राजे आयल्स लिसनिंग टैसट जिहड़ा हुंदा है वह फॉर अकैडमिक एंड फॉर जीटी दोनों दे लई सेम टैसट हुंदा गा, कोई भी चेंज नहीं हुंदी हैगी। लाइक स्पीकिंग लिसनिंग इज ऑलसो सेम फॉर बोथ अकैडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द टाइमिंग, टाइमिंग की है बच्चे लिसनिंग की, टाइमिंग हुंदी है बच्चे 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स की जी लिसनिंग की टाइमिंग होंगी है। दैन 10 मिनट्स आपको एक्सट्रा मिलते हैं टू ट्रांसफर आर आंसर्स, जेडे आप आंसर्स ट्रांसफर कर देंगे अपनी आंसर शीट के उपर। ये की हों 30 मिनट्स ऑडियो प्ले होनी है, ऑडियो प्ले होने तो बाद ड्यूरिंग अपने आंसर जे अपनी लिसनिंग बुकलैट के उपर नोट डाउन कर दौ। दैन 10 मिनट्स अडिशनल मिलते हैं टू ट्रांसफर योर आंसर्स। तो टोटल टाइमिंग जी अपनी लिसनिंग की होगी इट्स अबाउट 40 मिनट्स। सो नैक्सट आ राजे कि लिसनिंग का फॉरमेट की है, लिसनिंग क्वेश्चन किस तरह आते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे ने बच्चे टोटल, देर आर टोटल 40 क्वेश्चन। हूँ 40 क्वेश्चन डिवाइड किस तरह हो रहे हैं, चार सैक्शन होंगे ने, सैक्शन ए बी सी एंड डी। तीनों सैक्शन जो फर्स्ट 3 सैक्शन हो गए, फोर्थ सैक्शन हो गया, चार सैक्शन के बच्चे 10 10 क्वेश्चन ग्रुप वाइज डिवाइड किए गए हैं। 40 क्वेश्चन 4 सैक्शन 10 फॉर ईच सैक्शन, तो यह होंगे लिसनिंग का फॉरमेट। हूँ जो सैक्शन 1 आ बच्चे, सैक्शन 1 के मोस्टली एक अपने को टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं फॉर्म कंप्लीशन के, जिसे आप फॉर्म कंप्लीशन करते हैं जिसे दो स्पीकर उन्होंने कन्वरसेशन होंगी, दो स्पीकर आ जोड़े वो एक दूसरे नाल कन्वर्सेट कर रहे होंगे ने, जिद आप सुन के आप अपना फॉर्म फिल करना होंगे गा। दैन मूविंग टू सैकेंड सैक्शन, सैकेंड बच्चे एम सी क्यू भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जोड़े आप देखते हैं लिसनिंग होंगे दे ने बच्चे 1 स्पीकर। सैक्शन 2 के हों 1 स्पीकर जिन्होंने आप प्रोपर आपको इलैबोरेट कर रहे तो आप ब्लैंक्स करनी आप एम सी क्यू कर रहे होंगे। दैन मूविंग टू थर्ड सैक्शन, थर्ड राजे मैप्स आ जाते हैं, डायग्राम आ जाए ने, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ, ये 3 to 4 स्पीकर होंगे ने, 3 to 4 स्पीकर इन सैक्शन 3। दैन मूविंग टू सैक्शन 4, सैक्शन 4 के भी बच्चे ओनली 1 स्पीकर होंगे, मोस्टली इको स्पीकर होगा, फॉर्म कंप्लीशन ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम के, वो भी आप सुन के एग्जामीनर तो जोड़ा अपन स्पीकर बोल रहे हैं स्पीकर देख के आप अपने आंसर आ जोड़े और नोट डाउन करने होंगे ने बाय लिसनिंग केयरफुली। हुण इह तां हो गया राजे एग्जाम फॉरमैट, टोटल 4 सैक्शन बारे अपने को इनफॉर्मेशन आ गई। नाउ मूविंग ऑन कि टिप्स किहड़ियां ने जिहड़ियां ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नेगियां फॉर आयल्स लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जिहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो आप प्रैक्टिस करनी हैगी आयल्स लिसनिंग टैसट की, वो डेली दे बेसिस दे उपर तुसीं अपनी आंसर शीट दे उपर करनी है, जिहड़ी ऑफिशियल आंसर शीट आउंदी है। रीजन बीइंग कि तुहाडियां जिहड़ियां मिसटेक्स ने वो अवॉयड होंदियां, उहदे विच तुसीं आंसर लिख दिओ, तुहानूं हैबिचुअल हो जांदे हो तुसीं उह चीज़ दे, तां कि तुहाडी एग्जाम दे विच कोई मिसटेक ना होवे, डेली तुसीं उहदे उपर प्रैक्टिस करदे होंगे। दैन मूविंग ऑन टू सैकेंड थिंग, सैकेंड चीज़ की आ बच्चे जिहड़े आंसर शीट दे विच आपां आंसर राइट डाउन करदे हां, ऑलवेज यूज कैपीटल लैटरस, शॉर्ट लैटरस नहीं यूज करने बच्चे, समॉल अल्फाबैट्स नहीं यूज करने। डेली बेसिस दे उपर जो तुसीं प्रैक्टिस करोगे तो उहदे विच मेन पॉइंट अपना की आ, आंसर आ जिहड़े कैपीटल लैटरस दे विच मेंशन करो अपनी शीट पे, बिकॉज उहदे विच अपनी स्पैलिंग मिसटेक बहुत घट जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एग्जामीनर नूं। सो ऑलवेज यूज कैपीटल लैटर फॉर राइटिंग डाउन द आंसर। हुण मूविंग ऑन टू नैक्सट स्टेप, नैक्सट स्टेप की होगी बच्चे, इंस्ट्रक्शन, ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द बुकलैट। इंस्ट्रक्शन किस तरह दियाँ कह रहा है मैं, लाइक तुसीं एक एग्जाम्पल सपोज करो अपने को आ रहा है राइट नो मोर दैन 2 वर्ड्स और अ नंबर या एंड अ नंबर, वे या तो 2 वर्ड्स या एक नंबर, एक इंस्ट्रक्शन आपको रिटन होंगे राजे, या इंस्ट्रक्शन होंगी 1 वर्ड ओनली, ओनली अ नंबर
या नो मोर दैन टू वर्ड्स एंड अ नंबर। हुण जिहड़ा नो मोर दैन टू वर्ड्स एंड अ नंबर वाला बच्चे उहदी तुहानूं एग्जाम्पल लैके मैं तुहानूं क्लीयर आउट कर रहा। लाइक आपां अपने कोले इंस्ट्रक्शन ने टू वर्ड्स एंड अ नंबर, तां उहदियां चार ऑप्शन बनदियां राजे। फस्ट वन इज लाइक एक आंसर लगा लो कि टीचर आ रहा, दैन फस्ट अपनी ए ऑप्शन की होगी टीचर, हो गया वन वर्ड। जे टू वर्ड आ रहा दैन आप एक ऐड कर लो लोकल टीचर। जे आ रहा टू वर्ड एंड अ नंबर 60 लोकल टीचर्स, टू वर्ड्स अ नंबर, जा कल्ला नंबर की आ गया 60। क्लीयर आउट होया थोनू? दो अपने कोले वर्ड्स, एक एक आप यूज करना नंबर, लाइक टीचर वन वर्ड, लोकल टीचर टू वर्ड, 60 लोकल टीचर्स टू वर्ड्स एंड अ नंबर, देन 60 ओनली अ नंबर। ये इंस्ट्रक्शंस नू बच्चे केयरफुली फॉलो करना तुसी अपने एग्जाम दे ड्यूरिंग। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, ऑलवेज चेक यूर स्पैलिंग्स, स्पैलिंग मिसटेक्स नू बच्चे अवॉइड करे करो। स्पैलिंग मिसटेक्स किवें होणगीआं, किवें अवॉइड होणगीआं? तुसी डेली बेसिस दे उपर जिहड़ी अपनी डिक्टेशन वर्ड्स ने उहनां नू लर्न करो, लिसनिंग वर्ड्स आउंदे ने उहनां नू लर्न करो, उन्हां नू डेली राइट डाउन करो, ते जिन्हां नाल थोड़ियां स्पैलिंग मिसटेक्स आ जिहड़ियां ओह अवॉयड हो जाणगीआं। सो केयरफुली बच्चे स्पैलिंग्स आ जिहड़े उन्हां नू ध्यान दे विच रख्या करो, बिकॉज माइनर माइनर मिसटेक्स करके अपना जिहड़ा एक आंसर ओह फुली रोंग हो जाता। सो ऑलवेज चैक यूअर स्पैलिंग्स। दैन नैक्सट स्टेप बच्चे, वर्ड्स ते नंबरस दोनों काउंट हुंदे ने राजे। बहुत कन्फ्यूजन हुंदी आ बच्चों नू कि अल्फाबैट किवें काउंट हुंदे ने। जो आप वर्ड लिख रहे हैं एवरी वर्ड इज इन काउंट, लाइक आप लिख रहे हैं अ टीचर, तो अ एक वन वर्ड हो गया, टीचर इज सैकेंड वर्ड का आंसर टू वर्ड हो गया। कला टीचर लिख रहे हैं तो वन वर्ड, अ टीचर लिख रहे हैं दैन टू वर्ड। सो इंस्ट्रक्शन ध्यान नाल देख के बच्चे उन्होंने यूज कराया करो, बिकॉज एवरी वर्ड आ जिहड़ा वो काउंट होना, एवरी नंबर। हुण नंबर तुसीं कहोगे कि नंबर किस तरह काउंट होगा, लैट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 1970 एक ईयर आ बच्चे, एक जस्ट वन नंबर आ 1970। सो ये वन नंबर हो गया। सो एक चीज़ा केयरफुली अपने दिमाग दे विच रखनिया ने। सैकेंड नैक्सट मूव ऑन टू राजे, उहदे च की होगा, द रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड वंस ओनली, कि रिकॉर्डिंग जिहड़ी एग्जाम दे विच आ उह सिर्फ वन टाइम प्ले होगी। सो केयरफुली अपने क्वेश्चंस नू रीड आउट करना, ध्यान दे नाल आंसर्स नोट डाउन करने नेगे, बिकॉज एक बार ही होगी। इंस्टीट्यूट्स दे विच आपां दो बार भी कर सकते हैं, तीन बार भी कर सकते हैं, बट इन द आईएलटीएस एग्जाम देयर इज ओनली वन टाइम द रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी प्ले। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ। नैक्सट चीज़ की आजूगी राजे, जिहड़े एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंदे ने, इहदे विच क्वेश्चंस की बन रहे, टिप की बन रही है, अल्फाबैट और द वर्ड्स। आपां नूं क्वेश्चन देता, अपने को एक क्वेश्चन आ रहा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, विच सीजन इज योर फेवरेट, विच सीजन इज योर फेवरेट, देन वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स, ए इज विंटर, बी इज समर, सी इज स्प्रिंग, वी हैव थ्री सीजन, वी हैव ए बी सी, थ्री ऑप्शन ने राजे अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन दिया। दैन जे उहदे विच अपने को विंटर आंसर आ रहा, तो आप वर्ड नहीं लिखना बच्चे, आप अल्फाबैट नोट डाउन करांगे अपनी आंसर शीट के उपर, चाहे वह अपना आंसर ए आ रहा, चाहे बी आ रहा, चाहे सी आ रहा। सो वो वर्ड ध्यान दे विच रखना। एमसीक्यू दे विच आपां वर्ड्स नहीं लिखने होंगे, उहदे विच आपां अल्फाबैट यूज करते हैं, वैदर इट्स ए बी और सी। सो ये सीगा राजे अपनी ए टिप। दैन मूविंग ऑन टू नैक्सट राजे, जिहड़े अपने आंसरस ने उन्हां नू केयरफुली ट्रांसफर करना, डू नॉट मेक अ मिसटेक, आंसर ट्रांसफर द आंसरस वेरी केयरफुली। मीनिंग की होया राजे, लाइक थोड़े तो की क्वेश्चन है जिहड़ा ड्यूरिंग थोड़ी लिसनिंग स्किप हो गया, जिहदे विच तुहानूं एक क्वेश्चन नहीं पता लगा, दैन मेक अ लिटल स्लैश ऑन द आंसर शीट दैट योर क्वेश्चन इज नॉट क्लीयर, थोड़ा डाउट आ उहदे ते एक डैश लगा के रख लो, तां कि थोड़ी जिहड़ी क्वेश्चन आ उह शफल ना होण, उह अगे पिछे ना हो जाण क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन दे लई आपां नैक्सट गलत कर लईए। सो ऑलवेज ट्रांसफर योर आंसरस वेरी केयरफुली। दैन मूविंग ऑन टू नैक्सट, नैक्सट स्टेप आ जी बच्चे, Always make a eye on the next question and read all the questions carefully. जदों आपां answers कर रहे हैं राजे, listening कर रहे हैं, answers दा जिहड़ा अपना चल रहा, next question दे उपर अपना focus रखो कि next question की आ, क्योंकि answers ने जिहड़े ओह इकट्ठे group दे विच आ सकते ने। So make an eye on the next question. Next step पर राजे, जिहड़े questions दे विच timings मिलदियां ने,
ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਟੂ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਟੂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਨਾਓ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ 1 ਟੂ 5। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਫੋਰਮ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਸਮਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਮੈਪ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਲੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫੋਰ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ।